नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। तो भाई रिसेंटली चैनल पर आप सभी ने टाटा सफारी का एक केस देखा होगा जो बिहार के पटना से शेयर किया गया था। इस गाड़ी में डिलीवरी के दिन से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी और इसके बाद इस गाड़ी का एक एक्सीडेंट भी हो गया था। हालांकि इसी के बाद ओनर काफी ज्यादा परेशान हुए इस गाड़ी को लेकर, लेकिन चैनल पर वीडियो डालने के बाद इनकी बात को सुना गया है और ओनर ने बताया कि उनको कई सारे टाटा ऑफिशियल्स ने कांटेक्ट भी किया है और ये एश्योरिटी दी है कि वो इनके गाड़ी को पर्सनली आकर चेक करेंगे और जो भी अच्छा हो पाएगा वो करेंगे। इनफैक्ट वो कुछ कंपनसेशन वगैरह भी देने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए मैंने उस वीडियो को हटा दिया है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि इससे ओनर कितना ज्यादा खुश हैं। काफी टाइम से वो परेशान हो रहे थे गाड़ी को लेकर, लेकिन अच्छी बात है टाटा मोटर्स ने वीडियो देखने के बाद चीजों को समझा और भाई की बात कायदे से सुनी और आज या कल में शायद इनको गाड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन भाई, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर वीडियो डालने से पहले हो जाएं तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर डालूं, लेकिन लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि मुझे डालना पड़ता है। और भाई, ये चीज़ें आज से नहीं चल रही हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे नए व्यूवर्स सोच रहे हों कि हमने ऐसे अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों स्टार्ट कर दी हैं। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब से YouTube स्टार्ट किया है तब से इस चीज़ पर फोकस कर रहा था। स्टार्टिंग से ही चैनल का मोटिव था लोगों को एक सेफ और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले गाड़ियों के बारे में बताना। लेकिन जब मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की तो जो ऑलरेडी उस गाड़ियों के ओनर थे या फिर नई गाड़ियां बाई कर रहे थे, उनको कई सारे प्रॉब्लम्स इन गाड़ियों में देखने को मिली और वो लगातार मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। तो मैंने आज के 4 साल पहले ही टाटा मोटर्स को ये मैसेज में भेजा था और मेल वगैरह भी किया था। इसमें मैंने हर एक चीज़ बताया था कि कैसे आपके डीलरशिप्स में प्रॉब्लम हो रही हैं और कई सारे लोगों को आपके गाड़ियों में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जो लगातार मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और मैं ये चाह रहा था कि मैं एक तरह से मीडिएटर बन जाऊँ, जो लोग मुझे डिटेल्स शेयर करते हैं मैं डायरेक्ट टाटा को शेयर करूँ। मैं सोशल मीडिया पर वो चीज़ नहीं डालना चाहता था। अगर सीधा सीधा चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो भाई सोशल मीडिया पर जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये लंबा चौड़ा मैसेज मैंने इसीलिए किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने फिर वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए और इन वीडियोज़ से कई सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए जो अभी आप देख भी सकते हैं। लेकिन भाई, कई सारे लोग अभी भी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कानपुर से टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के ओनर मिस्टर अश्विन शर्मा जी ने कांटेक्ट किया है और टाटा मोटर्स के साथ अपने खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। भाई ने 18 फरवरी 2024 को टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की डिलीवरी ली थी और उन्होंने बताया तब से इस गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जब उन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली तो इसके विंडशील्ड पर कुछ स्क्रैचेस थे। हालांकि जब अश्विन जी ने इसकी जानकारी स्टाफ को दी तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इसी के साथ बाद में जब ये गाड़ी वॉश करवा रहे थे तो इनको एसयूवी के टेलगेट का डोर भी थोड़ा बहुत डैमेज दिखाई पड़ा। भाई ने बताया कि ऐसा लग रहा डिक्की पहले से डैमेज हुई है, उसके बाद शायद इसे रीपेंट किया गया है। हालांकि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने गाड़ी का PDI नहीं किया था डिलीवरी के पहले, तो इन्होंने बोला कि जिस शोरूम से इन्होंने गाड़ी को खरीदा था वहां पर PDI का ऑप्शन नहीं था। ये वाकई में बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ये एक तरह से तो मजाक हो गया, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको अगर कोई डीलरशिप PDI करने से मना कर रही है तो आप उसको पैसे ही मत दीजिए या फिर गाड़ी की डिलीवरी ही मत लीजिए। खासकर आज के टाइम इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी गाड़ी को क्या करके इन्होंने बेच दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। खैर, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी नेक्सॉन में। इन्होंने बताया कि इस गाड़ी का AC चलते चलते बंद हो जाता था और AC वेंट्स से ठंडे के जगह गर्म हवा निकलने लगता था। क्लच पैडल में बहुत सारे वाइब्रेशंस थे, शिफ्टिंग के दौरान गियर स्टक हो जा रहा है, AC वेंट्स का जो फ्लो है वो अपने आप ही पैर पर आने लगता है, एप्पल कार प्ले से जल्दी ये कनेक्ट नहीं कर पाते, इसके स्पीकर्स में कुछ प्रॉब्लम है, वाइपर में प्रॉब्लम है और 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड गाड़ी बबलिंग भी करती है। इसी के साथ जो थोड़े और बड़े प्रॉब्लम्स हैं वो कई बार ड्राइव मोड का नाकाम करना है, ये अपने आप ही चलते चलते बंद हो जाता है और कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसी के साथ इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी कई बार लैग हो जाता है या फिर बंद ही हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी चल रही है लेकिन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्लैंक है और इस चीज़ को घंटों लग जाते हैं सही होने में। तब तक आप अपने मोबाइल फ़ोन से गाना चलाइए और मज़े कीजिए। और ये इशू लगातार कई सारे टाटा के फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को ये क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे वो मुझे नहीं पता। इसी के साथ भाई ने बताया कि अभी वो रिसेंटली अपने गाड़ी से कहीं जा रहे थे और चलते चलते ही ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है वो अपने आप ही टूट गया और इसका बाकायदा डैश कैम फुटेज भी है, आप क्लियरली सुन सकते हैं।
मेरी गाड़ी है निक्सॉन फेसलिफ्ट। चलती गाड़ी में विंडो का ग्लास टूट गया, चलती गाड़ी में। हालांकि ये एग्जैक्टली किस वजह से हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन सर्विस सेंटर वालों के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। इसी के साथ गाड़ी में एक और प्रॉब्लम बताया जा रहा है। ओनर ने बताया कि जब थोड़े बहुत स्पीड में वो अपने गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी अपने आप ही राइट की तरफ खींच जाती है, और इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन्होंने काफी लंबा चौड़ा मेल भी किया है। मैंने तो फिर भी आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताई हैं, और ओनर ने ये भी बताया कि मैंने कई बार टाटा के सर्विस सेंटर पर और टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स को कंप्लेन किया है, लेकिन आज तक ये सारी चीजें सॉल्व नहीं हुई। ओनर ने साफ साफ ये बोला है कि अब वो इस गाड़ी से नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना है, और जैसा कि टाटा मोटर्स बिल्कुल भी कुछ सुनवाई नहीं कर रही तो लास्ट ऑप्शन है ये कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और वहां पर कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खैर ये तो लास्ट ऑप्शन हो गया, लेकिन अगर टाटा मोटर्स चीज़ों को पहले सुन ले और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या ओनर से कॉन्टैक्ट करके जो भी ये मांग कर रहे हैं उसको वो पूरा कर दें तो ये काफ़ी सही चीज़ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी इनको लगातार परेशानी उठानी ही पड़ेगी। उम्मीद करते हैं टाटा मोटर्स इस केस पर भी कायदे से ध्यान देंगे और ओनर की बात को जल्द से जल्द सुनेंगे। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मैं इसे ट्विटर पर डालूंगा तो उसका लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां पर भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करिए ताकि भाई की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। बाकी आपका इन चीज़ों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।